पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो एक के बाद एक अपनी सक्सेस लिस्ट में नए नए कीर्तिमान दर्ज करती जा रही है। इसी बीच अब स्काई रूट एयरोस्पेस के विकसित किए गए स्वदेशी विक्रम 1 की चर्चा तेज हो गई है। वैसे तो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के बारे में आपने जरूर सुना होगा, वही जो अपने साथ मास्टर प्रज्ञान को लेकर चांद पर उतरा था। रोवर और लैंडर दोनों इस वक्त चांद पर आराम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त धरती पर जिस विक्रम 1 की चर्चा है, आज हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं, वो भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। दरअसल बीते दिन स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने स्वदेश में बने अपने विक्रम 1 रॉकेट लॉन्चर की पहली झलक दुनिया को दिखाई है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बीते दिन हैदराबाद में जीएमआर एयरोस्पेस और इंडस्ट्रियल पार्क में स्काई रूट एयरोस्पेस के नए मुख्यालय मैक्स क्यू का अनावरण किया और उन्होंने ही विक्रम 1 ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का भी अनावरण किया। अगले साल की शुरुआत में ये भीम रॉकेट उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर और दमदार क्षमता वाला ये रॉकेट कक्षा में कई सैटेलाइट्स को पहुंचा सकता है। ये भारत के प्राइवेट सेक्टर की रॉकेट बनाने की क्षमता को भी दिखाता है। तो आइए अब जान लेते हैं इस रॉकेट की खासियतों के बारे में और भी विस्तार से। 7 मंजिला इमारत जितना ऊंचा विक्रम 1 रॉकेट लगभग 300 किलोग्राम पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाने की क्षमता रखता है। ये रॉकेट पूरी तरह से कार्बन फाइबर ढांचे वाला रॉकेट है जो कई उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर सकता है और इसमें 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन लगा है। यही नहीं, कई उपग्रहों को कक्षा में पहुंचाने की क्षमता के साथ ये दुनिया के एलीट क्लब में शुमार हो गया है। विक्रम कई ऑर्बिट में रॉकेट पहुंचा सकता है और दूसरे ग्रहों पर भी जा सकता है। कंपनी का दावा है कि जल्द ही सैटेलाइट लॉन्च करना कैब बुक करना जितना आसान हो जाएगा। पिछले साल 18 नवंबर को विक्रम एस रॉकेट के लॉन्च के बाद विक्रम 1 स्काई रूट का दूसरा रॉकेट होगा जिसे 2024 की शुरुआत में लॉन्च करने की योजना है। इसके अलावा स्काई रूट ने अपनी वेबसाइट पर विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3 के बारे में भी जानकारी दी है। सबकी पेलोड क्षमता, आर्किटेक्चर और फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की है। आपको बता दें कि विक्रम 1 के नाम में विक्रम भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से लिया गया है। स्काई रूट के मुताबिक विक्रम सीरीज के स्पेस लॉन्च व्हीकल को छोटे सैटेलाइट मार्केट के लिए तैयार किया गया है। स्काई रूट का यह भी दावा है कि आने वाले एक दशक में 20,000 से ज्यादा छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए जाने वाले हैं। विक्रम को इस काम को विशेषज्ञता, टिकाऊपन और कम खर्चे में पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। आपको बता दें कि स्काई रूट एयरोस्पेस भारत की पहली रॉकेट लॉन्चिंग प्राइवेट कंपनी है। इसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है। इस कंपनी की स्थापना इसरो के पूर्व इंजीनियर्स और विज्ञानियों ने की थी। इसका लक्ष्य विशेष रूप से छोटे उपग्रह बाजार के लिए तैयार किए गए छोटे रॉकेट्स को विकसित करना और लॉन्च करना है। स्काई रूट के नए हेडक्वार्टर्स में स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग की सुविधाएं हैं। यहां 300 लोग एक साथ काम कर सकते हैं। इसी के साथ इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।